सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन अब 2 हफ्ते और बढ़ा दिया है और यह 17 मई तक लागू रहेगा। इस जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की हैं उसके पीछे 2 उद्देश्य हैं। एक तरफ की कोरोना वायरस के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए और साथ साथ पूर्ण सुरक्षात्मक उपायों के साथ आर्थिक गतिविधियां भी आरंभ की जाए। कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो 17 मई तक प्रतिबंधित रहेंगी। यह पूर्व अनुसार ही हैं, जिस प्रकार से रेल, हवाई सेवा आदि, अंतर्राज्यीय मूवमेंट, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह पूर्णतः बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल, किसी प्रकार का समारोह आदि सब बंद रहेगा। अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति रहेंगे। शादी का समारोह में 50 हो सकते हैं, लेकिन 2 और शर्तें हैं। इसकी आपको पूर्व सूचना एसडीएम को देनी होगी और सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। राज्य में 144 धारा सीआरपीसी लागू रहेगी, जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। एक नई शर्त अब जुड़ गई है, कोई भी व्यक्ति अब शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल सकता है। इसीलिए समस्त कार्यस्थल, फैक्ट्री आदि अधिकतम 6 बजे तक बंद हो जाएं, जिससे कि लोग अपने घर तक 7 बजे तक पहुंच जाएं। क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण और उससे खतरा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कुछ सावधानियां बरतना अति आवश्यक है। जैसे कि 65 वर्ष से अधिक की आयु के लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं ये घर से बाहर नहीं आएं। कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के घर से बाहर नहीं आए अथवा कार्यस्थल पे भी फेस मास्क पहने। सार्वजनिक स्थान पे थूकना या शराब पीना मना है। पान गुटखा वगैरह की शराब दुकानें बंद हैं। कार्यस्थल पर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं कि क्या क्या कदम उठाने चाहिए सुरक्षा के लिए, और उसकी जिम्मेदारी नियोक्ता, मैनेजर आदि की है। राज्य सरकार को आपकी और आपके परिवार की चिंता है, परंतु किसी की लापरवाही से अन्य बेगुनाह भी संक्रमित हो जाएं, ये सही नहीं है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने 1 मई को राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेस ऑर्डिनेंस 2020 लागू किया है, जिसमें कई इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं। जो भी इसकी पालना नहीं करेगा उसको 2 वर्ष के कारावास अथवा या उसके साथ 10,000 के फाइन लगेगा। कुछ ऐसे दंड हैं, ऑफेंसेस हैं, जिनका मौके पर ही चालान कट करके फाइन वसूला किया जा सकता है। वो हैं, मास्क नहीं पहनने पर ₹200, कोई दुकानदार किसी व्यक्ति को सामान बेचे जो मास्क नहीं पहना हो तो दुकानदार पे ₹500 तो है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर ₹200, शराब पीने पर सार्वजनिक स्थान पर ₹500, कोई भी व्यक्ति पान, गुटखा, तंबाकू विक्रय करता हुआ पाया गया तो ₹1,000 से दंडित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, यानी कि किसी भी अन्य व्यक्ति से 2 गज की दूरी। कोई ऐसा नहीं करेगा तो ₹100 का फाइन है। अगर किसी ने विवाह समारोह आयोजित किया और एसडीएम को लिखित सूचना नहीं दी अथवा उसके समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती हुई पाई गई तो उस पर ₹5,000 का दंड होगा। और अगर उसने अपने समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति बुला लिए तो ₹10,000 का दंड हो सकता है अथवा कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जिसके तहत वो जेल भी जा सकता है। भारत सरकार ने समस्त जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में विभाजित किया है और उसके हिसाब से क्या गतिविधियां अनुमत हैं ये निर्धारित की है। रेड और ऑरेंज जोन एक ही प्रकार से है और यहां पर वही गतिविधियां चालू रहेंगी जो पूर्व में अनुमत थी। केवल 2 नई गतिविधियां जोड़ी गई हैं। एक तो यह है कि नगरीय सीमा में भी औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग खुल सकेंगे और दूसरा निजी कार्यालय खुल सकेंगे, बशर्ते कि 33%
उनका स्टाफ हो, बाकी स्टाफ घर से कार्य करेगा। सरकारी कार्यालय भी अब 33% की स्ट्रेंथ से सभी खुलेंगे और सचिवालय में भी अब वापस हो जाएगा। ग्रीन जोन में सारी गतिविधियां अनुमत हैं। अब मैं आपको दो महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। पहला, जो जो गतिविधियां अनुमत हैं उसके लिए किसी को भी विशेष परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ शर्तें जुड़ी हैं। आपको पूरी सुरक्षात्मक उपायों की पालना करनी होगी। जिला कलेक्टर द्वारा इस आपका निरीक्षण कराया जाएगा, ये नहीं पाया गया तो बंद किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की। जो गैर अनुमत है और उसने खोल लिया, ऐसा पाए जाने पर उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवागमन के लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि अब पास की व्यवस्था समाप्त कर दी है, लेकिन स्थिति वही की वही है जो पूर्व की है, तो कोई ये नहीं सोचे कि अब वो गाड़ी से बाहर आ सकता है। ये केवल आप अनुमत गतिविधियों के लिए, यानी कि अपने कार्य के लिए घर से जा सकते हैं और कार्यस्थल से वापस घर आ सकते हैं, या दुकान आवश्यक सामान लेने जा सकते हैं और तत्काल वापस लौट सकते हैं। साथ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस आईडी रखना होगा और ऑफिशियल या कंपनी आईडी रखनी होगी। ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन नहीं हटा है। किसी ने भी इसका दुरुपयोग किया, उसका वाहन जब्त किया जाएगा और उसके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेष तौर से मैं युवा वर्ग को चेताना चाहता हूं कि कृपया वो घर से बाहर नहीं निकलें, उनके स्कूल कॉलेज आदि सब बंद हैं, और ना ही कोई वाहन लेकर के अपने रिश्तेदारों से जाके मिल सकता है, क्योंकि ये सब प्रतिबंधित है। कृपया इसका दुरुपयोग नहीं करें, नहीं तो हमको और ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। फिर से, आप केवल अपने निजी वाहन से निकल सकते हैं। कार चौपहिए वाहन में ड्राइवर प्लस अधिकतम दो लोग, दोपहिए वाहन में केवल एक, पीछे कोई नहीं बैठ सकता, और केवल अनुमत गतिविधियों के लिए। कहीं आप और जा नहीं सकते, कहीं गाड़ी रोक नहीं सकते, और पुलिस की चेक पोस्ट यथावत रहेंगी, पुलिस आपकी चेकिंग करेगी, गलत पाने पर आपके वाहन को जब्त किया जाएगा। जो ऑरेंज जोन है उनमें टैक्सी भी अनुमत है, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा भी अनुमत है, जिसमें कि केवल एक व्यक्ति और बैठ सकता है चालक के अतिरिक्त। ग्रीन जोन में चौपहिए पर चालक सहित तीन, दोपहिए पे दो लोग बैठ सकते हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह में जो है वो एक प्लस दो बैठ सकते हैं, और बसें भी ग्रीन जोन में चल सकती हैं 50% क्षमता से। अंत में मैं आपसे कहूंगा कि आप सब ने बहुत सहयोग किया है, इसीलिए स्थिति नियंत्रण में आई है, परंतु अभी भी खतरा है, इसलिए धैर्य रखें और घर में रहें। यदि बाहर निकले तो दो सिद्धांत याद रखिए, मास्क पहनिए और किसी भी व्यक्ति से दो गज की दूरी रखें, आपको ये नहीं पता कि वो संक्रमित है कि नहीं। धन्यवाद। Thank you.